सभी लोगों का नॉट गेम फ्लिट के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर, और आज हम लोग जाने वाले वापस अपने फोर्ज़ा होराइज़न 5 के अंदर, जहां हम लोग व्हील से चलाते हैं कार्स, बहुत ज्यादा मजा आता है। बट आज हम लोगों को करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, जो कि अपनी Porsche 911 Carrera S को एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल बनाना है। सो लेट्स गो, जल्दी चलते हैं। 100 डेज 100 वीडियोस की स्ट्रिक तुम्हारे भाई ने बिल्कुल बना के रखी हुई है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया कर देना, 3 मिलियन की तरफ को जा रहे। जिसने भी अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं कराया, जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो और चलो चलते जल्दी से Forza Horizon के अंदर। हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर और अभी मैं चला रहा हूँ अपनी Koenigsegg Jesko Kamikaze Edition। मतलब तुम देख रहे हो एक बार कितनी ज्यादा कूल लग रही है। और भाई ये घर पता नहीं यार, मेरा Forza Horizon में ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट घर वाली बेस है, बट ये बहुत ज़्यादा क्रेजी भाई यार, ये गाड़ी लिटरली UFO जैसी लगती है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई तुम्हें अगर अपग्रेड करनी है 911 Carrera ऐसे अपनी, तो ये तुम Jesko में क्यों घूम रहे हो भाई? तो फ्रेडी को मैंने वो गाड़ी सही करने के लिए दी थी, क्योंकि लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोगों ने रेसेस में वो थोड़ी बहुत ठोकी थी, मैंने उसको गाड़ी सही करने के लिए दी थी। और बंदे ने भाई वो गाड़ी अभी रखी ली और बोल रहे हैं कि भाई एक रेस है बस वो कर दे और मैं दे दूंगा। अब उस बंदे की तुम्हें ही पता है और मुझे ही पता है भाई, माफिया लोग उसे पहचाने, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा। और ऊपर से कम हो रहा है कहने को, उसने मेरी 911 Carrera S भी ले ली है। अब हम लोगों को अगर वो वापस अनलॉक करनी है तो हम लोगों को पहले उसके लिए एक रेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा हाईवे की तरफ को चलते हैं और उसके बाद उससे पूछते हैं कि रेस है कहाँ पर, क्योंकि जाना तो पड़ेगा भाई कुछ भी हो जाए चाहे। तो मेरे को फ्रेडी ने एड्रेस तो बता दिया है, बट ये रेस बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है यार। ये क्या कार है भाई, और इसका वो देखो एक बार यार, मतलब तुम समझ रहे हो ना, जैसे GT3 RS है, GT3 RS का जो पीछे का वो होता है ना स्पॉइलर, जो होता है स्पॉइलर बोलो विंग बोलो, तो वो ना बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत सारा डाउन फोर्स बनाता है। मेरे को बहुत टाइम हो गया यार ये गेम खेले हुए, तो वो बहुत भाई ये देखो तुमने, ये लिटरली UFO जैसी गाड़ी है भाई, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग में हवा में उड़ने को तैयार हो जाती है गाड़ी भाई लिटरली यार। Koenigsegg Jesko भी ना टू मच फन कार है, टू मच फन भाई, पर मेरे ख्याल से इनफ डाउन फोर्स नहीं बना रही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं ब्रेक दबा रहा हूँ और ये रुक नहीं रही है कभी कभार। अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया वैसे अपना ये Forza Horizon खेले हुए, थोड़ा धीरे धीरे करके याद आती है ना फिर ये देखो, ये फिर हम लोग ये भी करेंगे भाई, ये तुम देख रहे हो यार आराम से बिल्कुल। बस यार हम लोग कैसे भी वो रेस में फर्स्ट आ जाए, वरना फ्रेडी हम लोगों को हमारी गाड़ी वापस नहीं करेगा। और एक नई Carrera 911 खरीदने के तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास, मतलब 911 Carrera S खरीदने के तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो मेरे को उस रेस को कैसे भी जीतना ही होगा। भाई साहब ये गाड़ी यार कुछ ज़्यादा ही इंसेनली फास्ट नहीं है भाई, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं 500 ऑलमोस्ट। भाई 488 भाई यार ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही फास्ट है भाई, सॉरी बीटल, सॉरी सॉरी यारा, सॉरी यार, अरे सॉरी भैया सॉरी यार, कर करके सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, बस स्पीड करके कर रहे हैं, तुम्हें को दिख रहा है भाई यार, मैं बोलता रहा हूँ थोड़ा सा ही टाइम लगता है बस, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। चलो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, लेट्स गो। कैसे भी ये रेस हम लोगों को जीतनी है, स्प्रिंट रेस है ये, लैप वाली रेस नहीं है, सो लेट्स होप कि ये रेस हम जीत जाए और कैसे भी अपनी गाड़ी को वापस ले आए। तो चलो गाइज करते हैं इस रेस को स्टार्ट एंड लेट्स होप हम लोग जीतें। भाई Koenigsegg लेके आए हैं तो क्या Jesko नहीं चलाऊंगा मैं यार आज? हम लोग मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो चुका है कि हम लोगों ने Jesko से एक भी रेस करी है, लाइक जीतना छोड़ो इस गाड़ी से हम लोगों ने बहुत टाइम से रेसिंग ही नहीं करी है, सो लेट्स गो। भाई साहब यार इसके जो व्हील होते हैं ना एंटी थेफ्ट लॉक, वो सब बड़े कूल लगते हैं यार, रात की हो गई लेकिन व्हाट ओए होए, Jesko जब आती है ना मज़ा आता है। बट एक दिक्कत हो गई, हम लोगों को एक ऑल व्हील ड्राइव कार लेकर आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है पूरी बारिश। वो भाई वो SVJ चला रहे हैं क्या? नहीं रिवॉल्टो है, ये रिवॉल्टो आ चुकी गेम का, व्हाट? अरे यार गाड़ी देखते रह गया गाइस, गाड़ी देखते रह गया, माय बैड यार। ओ भाई ये गाड़ी बहुत रपट रही है, बहुत ज़्यादा भाई, क्योंकि हद से ज़्यादा पावर है भाई Jesko के अंदर। और ये कौन सी गाड़ी चल रही है मेरे आगे, अगर तुम लोगों को पता है दोस्तों तो बताना, क्योंकि मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मेरे को पता नहीं है कौन सी गाड़ी चल रही थी हमारे जस्ट आगे, बट अभी के लिए हम लोग फर्स्ट हो चुके। इजी नहीं नहीं आराम से छू, आराम से छू यार, बहुत ज़्यादा फिसल रही है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं। आराम से आराम से आराम से आराम से यार,
मैं ऐसी हारूंगा, पता है तुम्हें, बहुत गंदी कर चला रहा हूँ, बहुत गंदी भाई। लेकिन सच्ची बताओ ना, तो अभी तक का तुम लोग देखते ना मैं कितनी सही चला रहा था, बट ये बारिश की वजह से कंट्रोल नहीं हो रही है कार। और गलती कर दी, चल। अबे हटना है पकानी वाले। यार 50% इनटू द रेस गाइस, हम लोगों ने थोड़ी सी खराब कर दी है। कर सकते हैं। हैंड ब्रेक नहीं, खींच। भाई बारिश धीरे धीरे कम हो रही है, तो थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है गाड़ी अब। यार ये कैसा ट्रैक है भाई? भाई मैं लिटरली कम से कम नहीं भी तो यार एक महीना या कुछ ऐसी बात खेल रहा हूँ, और वो भी जेस्को से। मैं वो जो लोग उसमें करते हैं ना नेस्कार में, F1 में नहीं नेस्कार में जो करते हैं, यस। ओए अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी अभी हम लोग हार जाते यार। मैं स्टाइल मारने की चाहता भाई, बहुत टाइम हो गया खेले हुए, मेरे को थोड़ा ढंग से खेलना पड़ेगा। चलो एटलीस्ट हम लोगों को अपनी 911 करा रेस तो मिल जाएगी विनर। ओ इसका मतलब हम लोगों को कुछ फ्री में मिलने वाला है दोस्तों, हम लोग कुछ फ्री में मिलने वाला है। यप मेरे को फील आ रही है कुछ। ए 3 लाख प्लीज, 3 लाख क्रेडिट प्लीज, 3 लाख क्रेडिट प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा सा रह गया यार, 3 लाख की जगह 30,000 दे दी, सीधे 10% कर दिया उसका यार, ऑलमोस्ट आ गया था हाथ में बस। गाइस हम लोग रेस तो जीत गए थे, लेकिन मैंने अभी अपनी डिफेंडर मंगा ली है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को किसी ने भाई कुछ गिफ्ट कर दिया है। मैं जा रहा था होराइजन अपनी करारा लेने वापस फ्रेडी से, बट हम लोगों को किसी ने तो कुछ गिफ्ट किया हुआ है, तो चलो अपनी डिफेंडर लेके चलते हैं हम लोग। कहाँ जाना है यार, तुम जगह बताओ भाई, ये डिफेंडर मैंने क्यों निकलवाई है? इधर जाना है ना, ठीक है चलो भाई। ऑफ रोडिंग होगी डिफेंडर से, ये वहाँ जाना देखो दोस्तों हमें, ठीक है। आज हम लोग डिफेंडर से ऑफ रोडिंग करते हुए जाएंगे, लेट्स गो। अबे यार भाई इसको बोलते हैं उल्टी मत्ती, लेकिन सही में बताया अगर कोई भी गाड़ी में अभी चला रहा था ना ऐसे, तो वो गाड़ी लाइक या तो दम तोड़ देती और या तो फिर पूरी रगड़ते हुए जाती पूरे टाइम इधर उधर इधर उधर। बट डिफेंडर में पूरा हाथ छोड़ के भी चला रहा हूँ तब भी सीधी जा रही है, भारी गाड़ी है ना बहुत। थोड़ी वो चढ़नी है, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। हम लोग पहुँच भी रहे हैं, हाँ हम लोग पहुँच तो रहे हैं भाई, क्योंकि वो कम नहीं हो रहा ना किलोमीटर, देखोगे ना किलोमीटर एकदम से कम हो, देख लो भाई। मैं नहीं चलाया रोड पे, मैं चलाऊंगा पूरी ऑफ रोड। अब मैं डिफेंडर मंगाई क्यों है भाई, मैं तो भूल चुका था इस गेम को ऐसे भी खेल सकते हैं, मजाक नहीं करूंगा यार। एक ऑफ रोडिंग गाड़ी लो और चढ़ा दो है, कहीं भी चढ़ा दो उसको फिर भाई साहब। इतनी ज़्यादा सुपर कार्स वो सब चला चला के मैं ये चीज़ तो ऑलमोस्ट भूल ही चुका था इस गेम के अंदर भाई। बस ये बहुत ज़्यादा स्लो फील हो रही है सही बताऊँ तो, और बाकी सब सही है। लोग पहुँच चुके हैं भाई ऑफ रोडिंग करते करते अपने डेस्टिनेशन के पास। आई जस्ट होप ये गिफ्ट भाई इतना दूर आने लायक हो, मतलब कह रहे इतना दूर आए तो ये गिफ्ट उतना वर्थिड भी हो। पता चला कुछ गंदा सा मिल गया भाई। चलो 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 बस पहुंच गए बस। डिफेंडर की तो ऐसी की तैसी कर दी हमने, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, कंगारू बना दिया हमने गाड़ी को। देयर वी गो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। लेट्स होप कुछ बढ़िया सा गिफ्ट हो। चलो प्लीज़ कुछ बढ़िया दे दो, प्लीज़ कुछ मस्त एकदम तड़कता भड़कता कुछ भी चलेगा। कम ऑन कुछ अच्छी गाड़ी दे दो प्लीज। वाओ जेनरस, वेल जस्ट द स्पिरिट ऑफ होराइज़न इज़न्ट इट, शल वी सेंड अ थैंक यू? अरे हाँ भाई बिल्कुल थैंक यू लिख दो, लेकिन गाड़ी तो दिखा दो पहले। कौन सी है? 2020 पोर्शे टाइकान टर्बो एस, लॉल लाइक टाइकान कार का टॉप मॉडल दे दिया किसी ने हमें भाई साहब। यही लेके चलते हैं भाई, यही लेके चलते हैं। अब
ईवी गाड़ी को ऑफ रोडिंग करवाते हैं। गाइस हम लोगों को गिफ्ट में ये कार मिली हुई है, पोर्शे टाइकान टर्बो एस। टर्बो एस तुम्हें पता ही है यार, अगर पोर्शे की किसी गाड़ी में लग रहा है तो बेसिकली टॉप मॉडल हो गया है। ये टाइकान का टर्बो एस है जो कि एक फुल्ली ईवी कार है। चलो देखते हैं। आई एम सॉरी गाइस, मेरे से नहीं चला जाएगी। आई एम सॉरी यार। तो मैंने मंगा लिया गाइस अपनी 911 GT3 RS, जिसमें 4 लीटर फ्लैट सिक्स है, V6 है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। भाई मजा आ जाता है इस गाड़ी में। आए हाय क्या भागती है भाई ये। और ये देखो यार, टर्न्स देखो ना यार, पोर्शे और भाई मोड़, क्या क्रेजी भाई ये कार। बस अरे सॉरी, ऊप्सी माई 911 डिडन ऊप्सी। अबे यार है तो रियर व्हील ड्राइव ना, फिर थोड़ी सी ज्यादा मस्ती भी नहीं लेनी थी। एक बार इसका लॉन्च कंट्रोल लेके देखते हैं, ठीक है यहाँ से। भाई डोंट टेल मी यार, 3000 RPM से लॉन्च कंट्रोल करती है भाई। बट ये क्या कार है यार, आवाज सुन रहे हो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की। शिट भाई, ओ भाई साहब, ये होती है ना गाड़ी यार। भाई लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से और अपनी 911 करारा एस उठाते हैं। भाई यार क्या मजा आ रहा है इस कार को चलाने में, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। बता जो चल रही है ना ये गाड़ी, तो हम लोग गाइस पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, बस जाके फटाफट से अपनी करेरा एस उठाते हैं फ्रेडी से, सिंस हम लोग उसकी रेस जीत चुके थे, और चलते हैं और करते हैं अपनी करेरा एस को एकदम बीस्ट मोड में लेके आते हैं यार। बट GT3 RS क्या लगती है भाई, और ये कलर कोड ना और खतरनाक लगता है इस गाड़ी में। ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, 992 नहीं है, बट फिर भी भाई क्या क्रेजी लग रही है यार गाड़ी। हम लोगों को फाइनली मिल चुकी है अपनी 911 Carrera S वापस, और ये क्या गाड़ी है यार, क्या लगती है भाई। मैं मजाक नहीं करूँगा भाई, इतनी कूल लगती है ना इसमें। आज मैं गारंटीड अपग्रेड करने के बाद एक पीछे स्पॉइलर जरूर लगाऊंगा, वो भी तगड़ा वाला, तुम देखते जाओ बस। ये कितनी खतर भाई, ये अंदर से भी देखो ना तुम लोग, प्रॉपर क्या क्रेजी लग रही है भाई। वो बस थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा है, अभी 12 बज रहे दिन के, और थोड़ा इधर को करते हैं वो देखो 36 सेंटीग्रेड हो रहा है बाहर का। और भाई बहुत गर्मी हो रही है यार बाहर, तो ये लोग बाहर खड़े कैसे इतनी देर से। ओ भाई साहब 36 डिग्री सेल्सियस में खड़े हैं लोग बाहर। चलो अभी हम लोग एक काम करते गाइस, मैंने एक रेस लगा दी है, तो चलते हैं पहले विदाउट मॉडिफिकेशन रेस खेल के देखते हैं, ताकि हम लोगों को पता रहे कि हम लोगों ने इसको मॉडिफाई करके बीस्ट बनाया भी है या फिर नहीं। तो चलो चलते हैं। अरे भाई इसका जो स्पॉइलर खड़ा होता है पीछे से, ओए होए होए होए, क्या क्रेजी भाई। और कैबिन की साउंड देख रहे हो भाई यार, ये अलग ही गाड़ी है भाई यार, ये थोड़ी सी दिल के ज़्यादा करीब है मेरे यार, क्रेजी ब्रो। हाय हाय यार, मजाक सेट के बताइए क्या लग रही है, देख रहे हो तुम लोग। अरे भाई साहब पटाके देख रहे हो उसके, लेट्स गो गाइस। हम लोग पहुंच चुके हैं, सीधी सी बात हम लोग एमरल्ड सर्किट में करेंगे रेस, ठीक है। चलते हैं फटाफट से जाके एक रेस करते हैं, फील लेते हैं कार का कि कैसी गाड़ी भाई यार, कैसे स्पॉइलर डाउन हुआ देखा तुमने, फील लेते हैं कार का कैसी कार है क्या है, उसके बाद हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे, तो उस फिर हम लोगों को ज़्यादा तरीके से पता चल पाएगा कि हम लोग कितने पानी में है, ठीक है ना। मतलब हम लोगों ने कितनी अच्छी अपग्रेड करी है, गाड़ी करी भी है कि नहीं करी, वो सारी चीज़ें हमें तभी जाके पता चल पाएंगी। गाइस दिखाते हैं इन लोगों को हम लोग किस मिट्टी के बने हैं। Carrera S, लेट्स गो भाई। आगे सुपर एम के 5 भी चल रही है भाई यार, इसका लॉन्च देखो, और वो देखो डाउन फोर्स बनाने के लिए उसका जो पीछे का स्पॉइलर खुला ना। बट यार मैं लगाऊंगा इसमें एक बड़ा स्पॉइलर लगाऊंगा, अभी करके देखते हैं।
अभी के लिए तो पहले भाई ये रेस जीतनी है कैसे भी। यार ये गाड़ी ऑलरेडी पता है तुम्हें मास्टर पीस है, मेरे को सच्ची में देखना है कि अब हम लोग इसको जब अपग्रेड करेंगे ना तो ये कार कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा। भाई 50 की स्पीड ठीक है ठीक है ठीक है, ओके समझ गया जी, 50 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, वो दिखने की लग रही है कि 200 भाग रही है। यार ये देखो ना यार, ये डाउन फोर्स बना के जो ब्रेकिंग आ रही है ना, एकदम इंस्टेंट छूते ही ब्रेक, और इसका जो 8 गियर PDK है ना, मतलब जो इसका ट्रांसमिशन है वो बहुत स्मूथ है यार, हद से ज़्यादा स्मूथ है। और अभी तो हम लोग मैनुअल में चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक वाला चीज़ ही नहीं है, बट क्रेजी है भाई, क्रेजी एकदम। चलो 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 भाई, ये लोग आ रहे आगे आगे, हम लोग को 3 लैप करने हैं। पहले लैप में तो लिटरली मेरे आसपास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं भाई, बस हम लोग को यही चीज़ मेंटेन करके चलनी है भाई। इसको हम लोग जब अपग्रेड करेंगे तो क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, सच्ची बता रहा हूँ जिस हिसाब की ये गाड़ी चल रही है ना। चलो 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 लेट्स गो, ईजी भी नहीं है, ईजी एकदम। हाँ ये लिटरली 200 में क्या मोड़ काट रही है देख रहे हो तुम, 200 में ब्रेक पड़ जा रहे, पूरे खड़ी हो जा रही गाड़ी। यार इसको ड्राइव करने में अलग ही मजा आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुम्हें यार, मैं कॉनिकसेक भी चला रहा था अभी तक का जेस्को, बट इसको ड्राइव करने में अलग ही मजा आ रहा है भाई। और एक तो दिखने की क्या लग रही है लाल कलर में भाई, मेरा ध्यान कभी कभार ऐसे हो जा रहा है, मतलब मैं गाड़ी देखने में चले जा रहा हूँ रोड की जगह, भाई मेरे को लग रहा है मेरे को ऐसे चलानी चाहिए भाई। कैबिन के अंदर देख रहे हो आवाज, चलो भाई अब ऐसे चलाऊंगा वरना मेरा ध्यान भटक रहा है बहुत ज्यादा, मैं गाड़ी को देखने लग जा रहा हूँ। यार ये गाड़ी कैसे रुक रही है तुम लोग देख रहे हो, एक बार बोलते ही ठोक दी मैंने, जस्ट बोला ये गाड़ी तुम लोग देख रहे हो कैसे रुक रही है और ठोक दी गाड़ी जी यार। लेट्स गो गाइस, इसी के साथ लास्ट लैप भी, एक बहुत अच्छा अमाउंट से जीत रहा हूँ मैं, ये एक होता है जीतना और एक होता है भाई जीतना। वो देखो आ रही है पीछे गाड़ियाँ, ठीक है ये देखो ये है मेरा बदला। ये था मेरा मतलब, देखो तुम पूरी रोक के 10 की स्पीड में जीते हम, 10 की स्पीड में। गाइस मजाक से हटके ये गाड़ी ऑलरेडी ना रॉकेट है, मेरे को सच्ची में देखना है कि ये कार कहाँ तक का मैक्स आउट होती है अब सही में भाई। ये गाड़ी ऑलरेडी देख रहे हो तुम लोग कैसा परफॉर्मेंस दे रही है हम लोगों को, और ये देखो भाई फन अलग मस्ती अलग दे रही है भाई भाई मैं तो भाई कर रहा है इसमें प्यार में पड़ गया हूँ भाई, छोरा पड़ गया करा रहा है इसके चक्कर में चलो फटाफट से चलते हैं और अब इसको मैक्स आउट करते हैं, जितनी ज़्यादा अपग्रेड हो सकती है जितना पैसा लगा सकते हैं हम लोग पूरा पैसा लगाएंगे इसमें, छोटी से छोटी चीज़ टर्बो तक का चेंज सब चेंज करूंगा मैं इसके अंदर, और हम लोग देखेंगे कि ये कितनी पावरफुल बनती है उसके बाद 0 to 100, इसके बाद इसकी टॉप स्पीड सब कुछ चेक करेंगे हम लोग, ठीक है अभी तो चलते हैं। अभी तो इसकी टॉप स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है, लास्ट एपिसोड में बताई थी, मेरे को सच्ची बताओ याद नहीं, जहाँ तक मेरे को पता है इसकी 308 या कुछ ऐसे आई थी, तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें याद है तो, या फिर पिछली वीडियो जाके देख लेना एक बार और वहाँ से बता देना, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 308 या 310 के आसपास थी। अभी देखते हैं हम लोग अपग्रेड करके इसको कितना आगे तक ले जा सकते हैं। चलो करते हैं इसको कस्टम अपग्रेड, सबसे पहले इसके इंजन के इनटेक देखते हैं, इनटेक ओके ऑफ रोड, भाई तुम्हें लगता है मैं ऑफ रोड चलाऊंगा इस गाड़ी को, ठीक है हैंडलिंग थोड़ी सी गिरेगी बट स्पीड काफ़ी हद तक का बढ़ जाएगी तो मुझे चलेगा, ठीक है। उसके बाद इग्निशन देखते हैं एक बार इसका, ठीक है ऑफ रोडिंग गिरने से मुझे सच्ची में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जॉस्ट, अब आई ना बात ज़रा एग्जॉस्ट वाली बात पे यार, रियर व्हील ड्राइव है, रेस एग्जॉस्ट लगाएं या स्पोर्ट्स, रेस लगाते हैं, स्पोर्ट में आवाज़ ज़्यादा तेज आएगी बट वही है कि अब यार हमें आवाज़ नहीं, हमें रेस भी चाहिए ना थोड़ी सी। चलो और देखते हैं रेस कैम, बिल्कुल सही भाई क्यों नहीं, कैम शाफ्ट रेस वाला लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं वेल्स, इसके
रेस वेल्व या स्पोर्ट्स वेल्व, रेस वेल्व लगाएंगे हम लोग और उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इसकी। देखो मेरे हिसाब से ये रेस इंजन ब्लॉक, यार इंजन ब्लॉक को चेंज नहीं करना चाहिए बट देख लेते हैं करके, अगर सही होती तो बढ़िया ही है। यहाँ पर देखो ये भी बहुत ज़्यादा सही कर रहा है, ये था क्या पिस्टन्स थे। ओके अब आते हैं टर्बो पे, ठीक है तो ये ट्विन टर्बो कार है, लेट्स गो देखते हैं सबसे ज़्यादा अपग्रेड कहाँ पर दिख रहा है। देखो रेस ट्विन टर्बो विद एंटी लैग या फिर रेस ट्विन टर्बो, ठीक है मेरे ख्याल से एंटी लैग से सीधी सी बात है 0-100 बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा ये आरपी, मतलब समझ रहे हो ना, तेज़ पकड़ेगी जो भी पकड़ेगी। एक बार इंटरकूलर देख लेते हैं, अरे भाई साहब लेकिन इससे ब्रेकिंग बहुत ख़राब हो जाएगी क्या, ऑफ रोड तो पूरी तबाह हो जाएगी, लॉन्च अच्छा हो जाएगा, हैंडलिंग थोड़ी सी ख़राब होगी थोड़ी सी बस, तो यही करते हैं ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्लाई व्हील पर हम लोग आते हैं, रेस फ्लाई व्हील लगाएं, मेरे ख्याल से रेस फ्लाई व्हील लगाना चाहिए हम लोग क्योंकि कायदे से अपनी सारी गाड़ियों को ज़्यादातर रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग पैसा वापस कैसे बनाएंगे। अब हमें चाहिए बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रेक भाई, एक मिनट, ओ भाई ये कार्बन फाइबर सिरेमिक वाले हैं क्या भाई, ये लगा लो भाई चुपचाप लगा लो इज्जत से। ओ ओके हैंडलिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी बट एक्सेलरेशन और सब कुछ कम हो जाएगा, हैंडलिंग थोड़ी ख़राब हो जाएगी बट एक्सेलरेशन और बाकी सब सही हो जाएगा। इसको ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं ठीक है, पिस्टन्स को जैसे हैं वैसे रहने देते हैं, मतलब स्प्रिंग एंड डैम्पर्स को जैसे हैं वैसे रहने देते हैं। रोल केज लगा लेते हैं ठीक है, रोल केज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर एंटी रोल बार्स पीछे के लिए ये भी लगा ही लेते हैं। उसके बाद केज, ओके रोल केज, रोल केज तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये बेसिकली हमारी गाड़ी को वो कर देगा थोड़ी लाइट कर देगा ना, तो वहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। रेस वेट रिडक्शन कर दो भाई, पूरी रेस कार बना दो प्रॉपर एकदम ठीक है, ड्राइव ट्रेन में चेंज नहीं करने वाला ठीक है, ड्राइव ट्रेन में चेंज नहीं करने वाला, क्लच व्लच में क्यों नहीं भाई, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसमिशन रेस ट्रांसमिशन वैसे इसका पीडी का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बट मैं इसका डिफरेंशियल तो चेंज नहीं करने वाला, एक्चुअली सॉरी डिफरेंशियल चेंज करने वाला हूँ मैं, इसको रेस डिफरेंशियल डालूंगा बट मैं इसमें वो चेंज नहीं करने वाला, इसकी ड्राइव ट्रेन मैं रियर व्हील ड्राइव ही रहने दूंगा इसको ठीक है। टायर्स एंड रिम्स, सबसे पहले तो एयरो पैरिस ठीक है, ये चाहिए मुझे एक बढ़िया वाला रियर विंग, ये देखो भाई तुम, ये देखो भाई तुम, अब गाड़ी क्या लगेगी इसमें देख रहे हो तुम लोग, ओ भाई साहब यार इसमें चमकेगी गाड़ी, मैं तो ये ले रहा हूँ ठीक है, ये लगा लेते हैं, इसे ब्रेकिंग भी अच्छी जाती है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। ओके ये लगाते हैं, मैं एक बार चेक कर लूँगा, अगर इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हटा दूंगा मैं इसको, बट ये गाड़ी क्या क्रेजी लग रही है ऑलरेडी देख रहे हो। ओ भाई साहब ये साइड एंगल देखो डायो, मज़ा आ गया भाई। ड्राइव ट्रेन स्वैप तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला है, इंजन स्वैप आई डोंट थिंक सो करना चाहिए बट बहुत ज़्यादा फर्क आ जा रहा है वैसे टॉर्क और पावर में ठीक है। V8 लग जाएगा 4.6, अभी के लिए तो इसमें वही है अपना 3 लीटर इनलाइन 6, नहीं सॉरी 3 लीटर फ्लैट 6 है अभी के लिए इसमें, ये देखो फिर से 4 लीटर फ्लैट 6 डल जाएगा, नहीं तो 3.8 लीटर फ्लैट 6 ट्विन टर्बो और उसके बाद ये आ जाता है अपना V8 हाइब्रिड 4.6 लीटर भाई साहब। बट ये गाड़ी ऑलरेडी यार बहुत ज़्यादा क्रेजी है तो आई डोंट थिंक सो, ऑल व्हील ड्राइव मैं इसको नहीं बनाने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ ठीक है, गलती से भी नहीं। गाइस फाइनली हम लोगों ने अपनी पूरी करार ऐसे एकदम क्रेजी बना दी है, दोनों चीज़ें लगा दी है आगे से भी और पीछे स्पॉइलर भी एकदम क्रेजी वाला। अब सैडली बस वो जो अपना वाला स्पॉइलर है वो उठेगा नहीं क्योंकि सीधी बात है अब दूसरा स्पॉइलर लग चुका है जो कि एक्चुअली ज़्यादा यूजफुल। ओ माय गॉड ये क्या हुआ, हैं जी आवाज सुन रहे हो तुम लोग, रुको एक बार ये देखो, ओ भाई साहब चलो गाइस अब चेक करते हैं, पहले तो यहां से वो जो पहला वाला वो पड़ता है ना अपना मीटर जो होता है जो चेक करता है कि कितने किलोमीटर पर आवर जा रहे हो वहाँ तक का ले जाते हैं गाड़ी को, लेट्स सी कि अब की बार कितनी आती है, लास्ट टाइम कुछ 227 के आसपास गई थी, लेट्स सी कितनी जाती है इस बार भाई। ये बहुत क्रेजी गाड़ी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बना दी मेरे को, नहीं भी तो मान के चलो 2 लाख क्रेडिट के आसपास लगे, सो लेट्स सी क्या वो वर्थ इट था, क्योंकि ये गाड़ी तो देखो वर्थ इट है भाई, ये गाड़ी तो बहुत क्रेजी है भाई।
और ये अभी ना ये छोटी छोटी चीजें की वजह से ना और ज्यादा खतरनाक लगने लग गई दिखने की। बट लेट्स गो, अब प्रॉपर अग्रेसिव कार लग रही थी, अभी तक थोड़ी सी ना कैसे ब्यूटी सी लग रही थी, एकदम अग्रेसिव ब्यूटी जैसी, लेकिन अब ये प्रॉपर अग्रेसिव कार लग रही है। सो लेट्स गो, देखते हैं यहाँ से वहां तक का, देखते हैं कितनी जाती है। रेडी, 1 2 3 गो। थ्री फिफ्टी वन भाई मेरे को इस गाड़ी की टॉप स्पीड चेक करनी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और हर एक गियर में कितनी टॉप जा रही है ना मेरे को वो भी चेक करना है। रुको, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना हाईवे की तरफ को बढ़ते हैं। रुको, हम लोग सीधे हाईवे की तरफ को चलते हैं। भाई मेरे को सच्ची में चेक करनी है अब क्या चल रहा है। ओह माय गॉड यार, ये तो गाड़ी चेंज हो गई। ओ भाई साहब, अरे कितनी कंट्रोल्ड चल रही है फिर भी यार। ऐसा नहीं कि भाई, मतलब सीधी सी बात है यार, स्पीड हद से ज्यादा बढ़ा दी हम लोगों ने, बट तुम लोग देख रहे हो एक बार गाड़ी बिल्कुल भी ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे जिगल विगल नहीं कर रही है। थोड़ी बहुत तो करेगी, खैर सीधी सी बात है, इतना तेज भगाओगे तो करनी भी चाहिए, अगर नहीं करेगी तो दिक्कत है। ओ माई गॉड भाई, ये क्या बन गई है, और आवाज़ सुनो इसकी यार। चलो लेट्स गो, लॉन्च कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे, सारे गियर्स में चेक करेंगे। तुम लोग मेरे को देख के बताना, ठीक है, रिकॉर्ड करके बताना, इंस्टा स्टोरीज पे टैग करना कि भाई 0 to 100 इस गाड़ी ने कितने सेकंड्स में करे हैं। ठीक है, रात भी हो गई है वैसे। ओ बड़ी जल्दी रात हुई यार इस साइड पे, व्हाट। चलो लेट्स गो, देखते हैं। रेडी, लॉन्च कंट्रोल एक्टिव है, 1 2 3 गो। फिर से करते हैं। मेरे को लगा पहले गियर में ही जाएगी, तो मैंने थोड़ा सा ना गियर चेंज नहीं करे। रेडी, मेरे को बताना 0 to 100 इसने कितने सेकंड्स में करे, क्योंकि बहुत कम था ब्रो, बहुत ज़्यादा फास्ट थी, बहुत हद से ज़्यादा। ठीक है, अभी सारे गियर्स में चेक करते हैं कि कितनी जाती है। सबसे पहले रिवर्स गियर में चेक करते हैं। रिवर्स गियर में 125 देखी मैंने मैक्स, रिवर्स गियर में 125। अब आते हैं फर्स्ट गियर की तरफ को। ओके, मैंने गलती से चेंज कर दिया गियर, 123 फर्स्ट गियर, 123 सेकंड गियर, 178 थर्ड गियर, 239 फोर्थ गियर, 313 फिफ्थ गियर, 393। भाई क्या बना दिया ये गाड़ी मैंने। सिक्स्थ गियर, 448 गई सिक्स्थ गियर, 448। इजी संभालो थोड़ी। अरे 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 दोस्तों, तभी कहते हैं इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। भाई ये 448 गई है, 448। व्हाट, भाई ये क्या बना दी मैंने ये गाड़ी, मजाक से हट के ये रॉकेट बन चुका है भाई, अब ये कार नहीं है। जस्ट मुझे लगता है कि भाई 911 कर रहा है, ये है वो है, ये गाड़ी कुछ नया बता देती है भाई मेरे को। और अभी देखो लिटरली 911 कर रहा है इसमें हम लोगों ने 448 करा है, 448। चलो हम लोगों ने इसको पूरा मॉडिफाई तो कर दिया, एकदम क्रेजी तो बना दिया है, बट अब इसको टेस्ट करते हैं असली चीज में, जो कि होंगी हमारी रेसेस। तो मैं जल्दी से फ्रेडी को कॉल करता हूँ कि एक लैप रेस और एक प्रॉपर स्प्रिंट। अरे यार भाई को परेशानी होती है, हटा देता हूँ गाड़ी। एक प्रॉपर स्प्रिंट रेस, ये दोनों मेरे को करवा के दो भाई, क्योंकि मेरे को सच्ची में इस गाड़ी का प्रॉपर पोटेंशियल चेक करना है भाई, ये क्या कर सकती है कार। तो चलो गाइस, हम लोगों को रेस का पता चल चुका है, अभी से 7 किलोमीटर दूर है, बट भाई ये गाड़ी जिस हिसाब से जा रही है ना, भाई ये गाड़ी गारंटीड भाई वहां पे हमें 10 मिनट से भी कम में पहुंचा देगी। भाई 400 की स्पीड यार, देखो एक बार किलोमीटर कैसे कम हो रहे, एक बार वहां पे किलोमीटर देखो किलोमीटर कैसे कम हो रहे, एक सेकंड में 100 मीटर कम हो रहा है भाई। यार मैंने गाड़ी 448 जाते हुए देख ली, मैं तुम्हें बता नहीं सकता,
मेरे को यकीन नहीं हो रहा है भाई, 9/11 के रह रहा है इस। Damn bro, क्या है ये। वो 7 किलोमीटर था, 3.5 किलोमीटर रह गया दोस्तों, 3 किलोमीटर भाई। मैं जितनी देर में 4:52 और एक बार ब्रेकिंग देखो, मैंने हैंड ब्रेक खींचा भी नहीं है भाई, ब्रेकिंग देखो इस कार की। Oh my God, भाई मुझे प्यार हो गया दोस्तों। कोई तो बचाओ, मुझे हो गया है प्यार, क्या करूं ये मुझे हो गया। ओ यार आज मुझे हो गया है प्यार, इसीलिए कहते हैं गाइस प्यार में पागल हो जाते हैं ना लोग, यही होता है। ऐसी पागल होते हैं जैसे मैंने करा ना अभी हरकतें। ओ भाई, अगर स्टेयरिंग व्हील सीधा नहीं है तो ये गाड़ी रपटा के तो मेरा घर छोड़ आएगी पूरा। चलो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। ओ नीचे था क्या, गलती से भाई ये क्या लग रही है यार, ये सारी छोटी छोटी चीजें है ना, छोटी छोटी एकदम। वो आगे का लिप एक्सटेंड हो गया है, पीछे इतना खतरनाक स्पॉइलर लग गया है, छोटी छोटी चीजें ऐसी क्रेजी बना दे रही है कार को। जस्ट वाव यार, क्या लग रही है गाड़ी भाई अब। ओ भाई प्लीज भगवान एक बार। हेलो गाइस, इट इज टाइम भाई, इतनी मॉडिफाई कराई है, फर्स्ट रेस है, थोड़ा तो बनता है भाई, लेट्स गो, जीतना तो बनता है भाई। बहुत गलत ओवरटेक करी मैंने बट निकल आए भाई। चलो 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 चलो, कैसे भी। ओए ओए भाई, एक तो ये रेस कोर्स में पहली बार चला रहा हूँ गाड़ी थोड़ी सी देख के, और उसके बाद ऐसी गाड़ी जो भाई पंजा दबाते ही उड़ रही है, पता है तुम्हें ये गाड़ी। चल चल चल, चल 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 अब आना। भाई ये बंदा बहुत दिमाग से खेल रहा है, ये बार बार मेरी गाड़ी के आगे आके लगा दे रहा है, इसको पता है मैं जा तो पाऊंगा नहीं ऐसे में। मैंने अभी गलत टर्न ले लिया, चेक पॉइंट मिस हो गया मुझे। अब बोलना, मैं भी कर सकता हूँ भाई, मैं भी कर सकता हूँ लड़ाई, कर नहीं रहा हूँ ढंग से, रह रहा हूँ तो इनको लग रहा है कि हल्के में ले रहे हैं मुझे भाई। बट ये गाड़ी 300 की स्पीड में भी क्या भग रही है, और 300 से 0 कब हो जा रही है पता भी नहीं चल रहा है भाई। कुछ कुछ मोड़ तो इतने स्टीप है ना यहाँ पे, एकदम से आ जा रहे पता ही नहीं चल रहा है। पर ये गाड़ी फिर उसी के लिए बेस्ट है, क्योंकि जिसको नहीं पता है भाई, पोर्शे 911 अपने कंट्रोल के लिए ही जानी जाती है कि गाड़ी कितनी अच्छे से कंट्रोल होती है। मैं तो खैर पोल उड़ाते हुए चल भाई, बट बेटर है ना यार, वैसे दीवारों में मारते भी नहीं चल रहा ना ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा भाई। ये बहुत क्लोज है मेरे से, मैं बहुत ज़्यादा भाई, ये मैंने बहुत गलत वो है रेस कोर्स में। रेडी ने कुछ तो दुश्मन निकालने के लिए करा है लग रहा है, क्योंकि रेस कोर्स बहुत हार्ड पड़ रहा है भाई। मोड़ ऐसा आ रहे ना एकदम से कट जा रहे पूरे, मतलब गाड़ी पूरी रोकनी पड़ जाए। ये देखो वो लास्ट लैप है, मेरे को ढंग से चलाना पड़ेगा। और जैसे ही मौका मिलेगा ना मेरे को खींचनी पड़ेगी गाड़ी। ये देखो फिर से भाई, यार इंजन ब्रेकिंग का भी यूज करना पड़ेगा लग रहा है। बस देयर वी गो दोस्तों, ये थे कुछ टफ वाले मोड़, अब तो तब भी थोड़े से इजी मोड आएंगे और अपना काम हो चुका है भाई। हम जीत गए ये रेस, हम लोग जीत चुके हैं। दिख रहा है मुझे यहीं से दिख रहा है, लेट्स गो फिनिश फर्स्ट रेस विद 9/11 करेस अपनी। भाई हम लोग जीत चुके हैं भाई, पहली रेस तो जीत गए हम लोग, एक स्प्रिंट करेंगे अब आएगा ना मजा भाई। बहुत ही ज्यादा क्रेजी भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी, क्या मजा आया भाई इसमें।
भाई मैं तो, मेरे को तो प्यार हो गया है भाई। ये गाड़ी क्या भाई, रॉकेट बन चुकी है गाड़ी, रॉकेट। हम लोग पहुंच चुके अपनी स्प्रिंट रेस वाली जगह पे, एंड इट इज टाइम। क्या ये कार भाई, इसने लैप में तो दिखाई दिया भाई अपना जलवा, क्या रहा बोलते रह गए, ध्यान नहीं है बट इस गाड़ी ने भाई हम लोगों को लैप में तो अपना जलवा दिखा दिया है। लेट सी क्या ये गाड़ी स्प्रिंट रेसेस में भी ऐसा ही कमाल कर पाएगी या फिर हल्की रह जाएगी थोड़ी। 6 पॉइंट कुछ किलोमीटर करने भाई अपने कर रहे हैं, इसमें जाएंगे ना, क्या बात कर रहे हो यार तुम, दूसरी गाड़ी में जाओ ना, बिल्कुल नहीं। चलो दोस्तों इट इज़ टाइम, देखते हैं क्या स्प्रिंट में भी उतना ही कमाल दिखा पाएगी अपनी कार। भाई थोड़ी सी ना बारिश हो गई है, अब अच्छे से पता चलेगा इसका, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव कार है। सॉरी मेरी कर्री कर रहा, आई एम सॉरी ये बाबू, मेरे को सच्ची मेरी दिखाया वो मोड़ आते हुए, मेरा ध्यान एकदम से हटा और देख लो भाई दुर्घटना घट गई। भाई ये बहुत गंदा हो रहा है भाई, रेन में तो इसको चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है सच्ची में। भाई यार अब रेयर व्हील ड्राइव कार है यार, क्या बोलूँ अभी, जब जेस्को नहीं चल पा रही रेन में अच्छे से तो फिर कर रहा ऐसे यार। पर फिर वही है कि पोर्शा भी है यार, समझ लो ना, पोर्शा का टॉप है 911 के ऊपर पोर्शा कुछ बनाता नहीं है, तो एक तरह से पोर्शा की टॉप कार में बैठे हम लोग। इवन द GT3 RS, मतलब GT3 RS टर्बो है वो, एकदम टॉप रेंज हो गई। बट भाई करेरा एस भी कुछ कम नहीं है भाई, 450 गई है ये गाड़ी। आराम से यार, रगड़ जा रही है यार गाड़ी थोड़ी सी भी। अब बताता हूँ लोगों ने, ये हल्के में ले रहे ना बहुत, सीधे स्ट्रेच में मेरे से ज़्यादा खींचोगे तुम यार। एक ऑडी वाले ने मुझे परेशान कर दिया भाई, 70% हो चुकी है, हम लोग थर्ड चल रहे अभी। चल 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 चल, सेकंड हो चुके हैं, एक गाड़ी बस, एक गाड़ी हमारे आगे। अब यार ऑफ ट्रैक हो गई तुझे, चल 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 अंशु चल, तू कर सकता है। भाई ये जैगुआर कौन चला रहा है, जैगुआर ही है नहीं। बस 92%, लेट्स गो। कंट्रोल ओवर कुछ नहीं, ओवर कुछ नहीं भाई, ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती है, ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती है। लेट्स गो भाई, बाय 911 करेरासिस, जस्ट क्रेजी ब्रो, ओ माय गॉड भाई हम लोग जीत गए मजाक से हटके। तुम लोगों ने देखा लास्ट में क्या खींची है गाड़ी, जब हम लोगों को एक सीधा स्ट्रेच मिला। ओ माई गॉड भाई ये क्या कार है यार, सच्ची में इंसेन है ये गाड़ी, बहुत इंसेन है भाई। मैं मान गया भाई, ये गाड़ी लिटरली हम लोगों ने ना इस 911 करेरा इसको एक बीस्ट 911 करेरा इस बना दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है। और ये सुनो, भाई मजा आ गया कसम से यार। तुम लोग बताना कि तुम लोग कौन सी गाड़ी देखना चाहते हो अगली। बाकी जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबाना, जो भी नहीं दिए सब्सक्राइब टू द चैनल। भाई मुझे तो प्यार हो गया है भाई, और ये गाड़ी न्यूट्रल में खुद ही नीचे जा रही, क्योंकि नीचे है ना मैंने पैर वैर सब हटा दिया है भाई, ये न्यूट्रल में खुद ही नीचे जा रही है। मैं जरा पहला गियर डाल के वापस इसको न्यूट्रल में ला, ब्रेक लगा, अब तो नहीं जाएगी ना बस।